सो क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 9 + 16 sin 2x। ओके, जब इस तरह का एक्सप्रेशन हमें न्यूमरेटर मिलता है जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे साइन 2x हो, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा आपको, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम क्योंकि हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये मिल जाएगा, और साइन 2x को बहुत आसानी से हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। तो हमारे पास है साइन 2x, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पहले ये देख लेते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, दैट इज 1 - sin 2x, बिकॉज 2 sin x cos x साइन 2x होता है। तो ये अब देखिए साइन 2x की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से इवेल्युएट करेंगे, तो दैट इज साइन 2x विल बी 1 - sin x - cos x होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जस्ट हमें ये करना होगा। तो द आइडिया इज कि अगर ये एक्सप्रेशन हमें मिले इस टाइप का कि ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो नीचे साइन 2x हो, तो हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या होगा ये, तो दैट इज 0 to π/4 एंड दिस विल बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 9 + 16 ब्रैकेट ओपन 1 - sin x - cos x² ओके। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो बिफोर सिंप्लीफिकेशन हम इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम टी एज्यूम कर लेंगे, तो साइन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स एंड दिस विल बी प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी। अब ध्यान से देखिए ये टर्म पूरा हमारा न्यूमरेटर वाला रिप्लेस हो गया बाई डी टी, एंड द लिमिट ऑफ कोर्स वी नीड टू चेंज। तो जब लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मतलब जीरो, जब एक्स जीरो है तो साइन 0 - cos 0 - 1 बचेगा, कॉस 0 इज 1, देयर फोर इट इज -1, एंड वेन π/4 साइन π/4 एंड कॉस π/4 आर सेम बिकॉज सो दे विल बी 0, एंड दिस विल बी डी टी डिवाइडेड बाई दिस इज 9 + 16 1 - t² देखिए बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो गया, और ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, तो I इक्वल टू -1 to 0 डी टी डिवाइडेड बाई दिस इज 9 + 16 दैट इज 25 -16 t² ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज a² - x² dx, तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो बिफोर दैट मेक द कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर 1, तो ये हमारा 16 बाहर आ जाएगा, -1 to 0 डी टी अपॉन दिस कैन बी एक्सप्रेस एज 5/4 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सो 1/16। नाउ द फॉर्मूला विल बी 1/2a, ए इज वॉट, इट इज 5/4, देयरफॉर 5/4 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स दैट इज 5/4 + x डिवाइडेड बाई 5/4 - x + c, बट डेफिनेट इंटीग्रल कर लें, देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ कांस्टेंट, सो डायरेक्टली वी विल अप्लाई द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी 4 to the 8, 5 + 40, सो दैट इज 1/40, एंड देन इट विल बी, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, 0 रखेंगे पहले, तो दैट इज लॉग ऑफ 5/4 + 0, 5/4 / 5/4 दैट इज 1 माइनस लॉग ऑफ, जब -1 रखेंगे तब क्या होगा, तो 5/4 - 1 दैट इज 1/4, और 1/4 / 5/4 + 1 दैट इज 9/4 ओके। नाउ दिस विल बी 1/40, ये पूरा ब्रैकेट में लॉग 1 0 हो गया, 0 - 4 4 कैंसिल, log 1/9 log 1/9 मीन्स -log 9 दैट इज log 1 - log 9, सो माइनस बाहर है तो -log 1 + log 9, तो ओनली log 9/40 इज द आंसर ओके। तो याद रखिएगा कि इसमें स्पेशल क्या है, दैट इज दिस वन, दैट जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्सप्रेशन आपको ऊपर मिले और साइन 2x नीचे मिले, तो 99% केसेस में हम ये करेंगे साइन 2x को 1 - sin x - cos x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, देन वी विल अज्यूम टी एंड यू विल गेट द सब्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, तो इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन।